तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं हूं तुम, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में देखिए तो चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज और एक नया वीडियो लेके आया हूं आप लोग के लिए। तो स्विच बॉक्स कटिंग कैसे करते थे, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये बॉक्स 8x10 का है और इसमें क्या क्या स्विच लगेगा, कितना स्विच लगेगा, ये आप लोग देखते रहिए और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होगा, बेहतरीन वाला ट्रिक आप लोग खो देंगे, तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स का चारों ओर हम लोग कुछ इस तरीके का मार्क लगा देंगे। ये मार्क लगाने से क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग का जो स्विच है ये थोड़ा स्ट्रेट में रहेगा, तो इसलिए हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क लगाएंगे। और जो बॉक्स का जो स्क्रू नट होता है इससे थोड़ा सा अंदर रखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो स्विच है ये इसका अंदर ही रहेगा, तो अगर बाहर हो जाएगा तो कॉर्नर पर हम लोग का जो नट है ये ढक जाएगा। तो ये करने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से, एक पत्ती हो, स्केल हो आप लोग के पास जो हो उससे आप लोग मार्क कर दीजिएगा। मेरे पास तो स्केल नहीं है, मतलब मैं लेके नहीं गया काम के साइड पे, तो इसलिए मैं पाती से काम चला रहा हूँ। एक टुकड़ा पाती ले लीजिए, यही बेहतरीन होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ मार्क लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच पकड़ेंगे, जो मैंने मार्क लगाया था फ्रेंड्स उसी में पकड़ेंगे, तो हम लोग का जो स्विच है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा। तो इसमें हम लोग का जो स्विच है उसके ऊपर भी मार्क लगा देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, ये फिर में एक सॉकेट और स्विच लगाएंगे एक कॉर्नर पे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सॉकेट और स्विच को उसी मार्क के हिसाब से रख दिया और मैंने मार्क लगा दिया। उसके बाद इस तरफ में और एक दो स्विच लगेगा, तो इसको भी हम लोग मार्क कर देंगे। ऊपर में भी स्विच होगा तो ऊपर में भी मार्क लगाना पड़ेगा। और जो स्विच है ना फ्रेंड्स, उसमें एक डॉट रहता है, उसी के बराबर में कीजिएगा। अगर पूरा स्विच का बराबर में करेंगे तो हम लोग का कटिंग बड़ा हो जाएगा। तो बीच में रहेगा फैन का रेगुलेटर और स्विच, तो इसके लिए एक स्विच और सॉकेट ले लिया। तो फैन का जो रेगुलेटर है ये अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, इसलिए हम लोग सॉकेट का स्विच, सॉकेट और स्विच लिया है। तो ये पूरा सेंटर में हम लोग रखेंगे तो देखने में थोड़ा बढ़िया दिखेगा। तो ये सेंटर करके मैंने मार्क लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर और नीचे का मार्क लगाया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से भी नापी करेंगे, पूरा मिडिल में रखेंगे, तो इसको भी हम लोग मार्क कर दिया फ्रेंड्स। अभी ये पूरा मार्क लगाना हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। इधर में दो स्विच लगेगा फ्रेंड्स, इसके बाद इधर में एक सॉकेट और यहाँ पे हम लोग का फैन रेगुलेटर ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ऊपर में एक इंडिकेटर होगा और एक स्विच होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये सब जो लाइन दागी दिया है इसको हम लोग पूरा लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके से, दोनों तरफ एकदम स्ट्रेट रखना पड़ेगा। तो इधर में दो स्विच और इधर में दो, एक सॉकेट और एक स्विच लगेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कुछ मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इधर में क्या करेंगे, थोड़ा स्किप कर देंगे, स्किप नहीं करेंगे, थोड़ा फर्स्ट एंड फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का जो मार्क पूरा हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। ऊपर में दो एक स्विच, एक इंडिकेटर और बीच में पंखा, एक सॉकेट, एक स्विच और दो स्विच। तो फ्रेंड्स अभी काटने के लिए हम लोग कुछ एक लकड़ी चाहिए जो पूरा बॉक्स का अंदर में सेटिंग हो जाए ऐसे वाला। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को एक बटाली चाहिए, वो भी एकदम पतला वाला, उसका मुँह ज़्यादा मोटा होने से ये मतलब फटने का चांसेस है फ्रेंड्स। तो जो बटाली हम लोग पकड़ेंगे ना, इसको थोड़ा टेढ़ा करके पकड़िएगा, बस सीधा करके पकड़ने से ये मतलब टूटने का चांसेस होता है। तो कुछ तेरा करके पकड़ेंगे और मातूल से वो जिससे वो आप लोग थोड़ा सा चोट देंगे तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स, थोड़ा धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। तो बटाली को ज़्यादा जोर से मारेंगे फ्रेंड्स, चोट देंगे तो बहुत कटने का चांसेस रहता है हमेशा, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और मेरा तो क्या है, मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं
ऐसा वीडियो को फास्ट कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हम लोग पूरा काट दिया है, लेकिन पूरा जो हम लोग ने मार्क दिया था ना फ्रेंड्स, पूरा मार्क दागी में नहीं कटा है, थोड़ा बचा बचा के कटा है, क्योंकि एक ही बार में काटने से फ्रेंड्स ये टूटने का चांसेस रहता है और फिनिशिंग नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके पकड़ के अभी मारेंगे। अभी काटने से क्या होगा फ्रेंड्स, ये टूटेगा नहीं। तो इसको भी फर्स्ट टाइम कट दिया है, आप लोग देख सकते हैं। करने का टाइम में फ्रेंड्स पैर से पकड़ना पड़ेगा, अगर दो आदमी होते हैं तो दो आदमी भी पकड़ सकते हैं, और एक आदमी करने के लिए फ्रेंड्स को पैर से कुछ पकड़ के रखना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं इसका अभी तक भी फिनिशिंग नहीं हुआ है, अभी क्या करेंगे थोड़ा धीरे धीरे करके इसको फिनिशिंग करेंगे। अभी कुछ इस तरीके से धीरे धीरे काट के फ्रेंड्स इसको फिनिशिंग करना है, पूरा दागी तक लेके जाना है। और मेन बात तो ये है फ्रेंड्स, आप लोग जब मार्क लगाएंगे ना उस टाइम में, अगर बड़ा करके मार्क लगाएंगे तो फ्रेंड्स दागी तक मार्क काटिएगा। मैंने तो मार्क पूरा अच्छी तरीके से लगाया है, इसलिए पूरा मार्क तक काट देंगे। अभी एक बार चेक कर लेते हैं घुसा है कि नहीं घुसा। तो सॉकेट तो फ्रेंड्स घुस गया, लेकिन थोड़ा सा टाइट हुआ है, स्विच भी घुस गया फ्रेंड। तो जो साइड से दागी मारा था वो भी एकदम स्ट्रेट पे है, देख सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा और निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा निकालने से फ्रेंड्स थोड़ा सा लूज होगा, तो अगर इधर उधर करना है तो कर सकते हैं, तो ज़्यादा लूज मत कीजिएगा। तो अभी देख सकते हैं एकदम पूरा परफेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स सबको छील देता हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोग का बोर्ड पूरा हो चुका है। और एक बात है फ्रेंड्स, पेन का जो रेगुलेटर है ये सॉकेट का हिसाब से नहीं आता, थोड़ा बड़ा होता है, इसको भी थोड़ा काटना पड़ेगा आप लोगों को। तो अभी मैं सबको ऐसे ही बिठा देता हूँ, बिठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लुक दिखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके का होगा कुछ। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी एक को पकड़ के ना ऐसे ही पेंसिल से मार्क लगा देंगे, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं। तो ऊपर का लाइन और नीचे का
साइड का जो लाइन है इसमें रख के आप लोग मार्क कीजिएगा और वीडियो को कर देते हैं फर्स्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मार्क लगाया था मैंने। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, जो खील होता है 2 इंची का 1 इंची का जो भी हो फ्रेंड्स, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चौथा जो दबी मारा था उसमें हम लोग फिर से मार्टिल मार के थोड़ा सा चोट मार देंगे, क्योंकि हम लोग जो ड्रिल करेंगे ना वो स्लिप नहीं करने के लिए। अगर इसे पूरा बोर्ड में करेंगे तो हम लोग का ड्रिल स्लिप मारेगा और इधर उधर चला जाएगा। तो अभी मैंने ड्रिल मशीन ले लिया और इसका जो हैमर है ना इसको छोड़ के 0 में कीजिएगा, और हैमर में करेंगे तो ये बोर्ड को तोड़ देगा। तो ये 0 में करके हम लोग सबको ड्रिल कर लेंगे। ये हाइजन का बिस्तर भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हाइजन का ही बिस्तर। तो जब तक ये होल होता है फ्रेंड्स आपको वीडियो को एक लाइक मार दीजिए, अच्छा है तो नहीं आया तो तुमको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से वीडियो में बता रहा हूँ रहता। तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो पीछे पीछे में जो प्लास्टिक है ये थोड़ा पिघल के थोड़ा बार बार हो जाता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा काट के निकाल देंगे। क्योंकि इसका जो नाक है फ्रेंड्स इसमें लगने का बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको पूरा रफ रफ हो गया था इसको पूरा क्लीन कर लेंगे। आप लोग कैसा बॉक्स कटिंग करते हैं कि नहीं कमेंट में लिखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग बोर्ड में नट जो छोटा छोटा नट नट और वो आता है उसको फिटिंग कर देंगे। इसमें नट बोल्ट छोटा छोटा फ्रेंड्स आता है स्विच और सॉकेट में, इसको हम लोग लगा देंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स ये नट और बोल्ट लगा देंगे स्विच को भी, और अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे फिर से क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय पर मैं ऐसे ही जटिल वाला वीडियो लेके आने वाला हूँ। और हाँ, इसका कनेक्शन देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट में इसका कनेक्शन भी डाल दूंगा। में बचा है हम लोग का इंडिकेटर, इसको भी लगा देते हैं। लगा देने के बाद फ्रेंड्स देखिए बोर्ड का लुक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, देखने में बढ़िया लग रहा है ना। तो कमेंट में लिखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा कि नहीं। बॉक्स कटिंग करते करते फ्रेंड्स दुख भी आ गया था, बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, मेरा तो 35 मिनट जैसा लगा था। अगर ये मॉडुलर में होता तो ये कम से कम 15-20 मिनट में पूरा कनेक्शन भी हो जाता, तो इसको कटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगा था फ्रेंड्स। तो अगर स्ट्रेट में काट देता तो टाइम इतना नहीं लगता, थोड़ा डिजाइन बनाया है इसलिए थोड़ा टाइम लग गया फ्रेंड्स। ये दूसरा और एक बॉक्स काटा था, ये पूरा स्ट्रेट में काटा, इसको भी नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा जरूर। तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।